खेलों की दुनिया में कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिन तक पहुंचना आसान नहीं होता। भारत में क्रिकेट अगर धर्म है तो उस धर्म के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। आज भी कितने ही लड़के रोजाना गली क्रिकेट खेलते हुए यही सोचते हैं कि वह आगे चलकर सचिन तेंदुलकर बनेंगे। 5 फुट 5 इंच घुघराले बाल वाला 16 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में आगाज करने वाले इस लड़के को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर मामूली सा दिखने वाला यह लड़का क्रिकेट का सरताज कहलाने लग जाएगा। सचिन तेंदुलकर जब बच्चे थे तभी से उन्हें क्रिकेट का शौक लग गया था। क्रिकेट का नाम बगैर सचिन तेंदुलकर के अधूरा सा लगता है, इसलिए ही तो उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को दुनिया के उन तमाम देशों में भी जाना जाता है जहाँ पर क्रिकेट खेला भी नहीं जाता। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी गिनती वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में गिनाती है। उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के शारदाश्रम विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उनके भाई का नाम अजीत तेंदुलकर है। सचिन का बचपन से ही के भाई ने क्रिकेट की बारीकियों को समझाते हुए उनका मार्गदर्शन किया था। क्रिकेट की दुनिया के सचिन वो अनमोल रत्न है जिनके सम्मान में बड़े बड़े अवार्ड्स भी फीके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित सचिन ने अपने जीवन में रिकॉर्ड्स की बड़ी झंडी लगा दी। सचिन का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बनने का सफर काफी रोचक है। सचिन तेंदुलकर भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी माता जी ने उनका नाम प्यार से सच्चू रखा था। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने सचिन को क्रिकेट अकेडमी में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट अकादमी में खेलते थे तब उनके कोच रमाकांत अचरेकर गेंदबाजों से शर्त पर गेंदबाजी करवाते थे कि अगर उन्होंने सचिन को दिन भर में आउट कर दिया तो सिक्का उनका होगा, नहीं तो सिक्का सचिन तेंदुलकर का। सचिन ने आज भी जीते हुए 13 सिक्के अपने पास संभाल कर रखे हुए हैं। सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने से पहले सुर्खियों में आ गए थे। दरअसल उन्होंने अपने दोस्त विनोद कांबली के साथ मिलकर हैरिस सिल्ड के सेमीफाइनल मुकाबले में 664 रनों की पार्टनरशिप की। सचिन ने इस मुकाबले में 336 रन बनाए थे। इसके बाद सचिन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 16 साल की उम्र में किया आगाज सचिन रमेश तेंदुलकर वो खिलाड़ी जिसने क्रिकेट यानी लंब दंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता यानी क्रिकेट में न सिर्फ अपना डंका बजाया बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्रिकेट में भगवान बन गए। मात्र 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन 15 नवंबर 1989 को अपने जीवन में पहली बार इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए खेल के मैदान पर आगाज किया था। बॉलर बनना चाहते थे सचिन। सचिन के पिता अपने बेटे का नाम अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन ने 11 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट बैट थामा। रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी के पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें 1987 में चेन्नई स्थित MRFS फाउंडेशन में महान ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी लंबाई कम थी, वरना मास्टर ब्लास्टर सचिन आज गेंदबाजी में नया कीर्तिमान रच चुके होते। सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 32,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज हैं। वे 200 टेस्टियों 463 एक दिवसीय मैचों के साथ कुल 663 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर भारत की ओर से सर्वाधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 248 रन है। एक दिवसीय क्रिकेट में 49 शतक और 96 अर्धशतक के साथ सचिन ने कुल 18,426 रन बनाए जिनमें इनका सर्वोच्च स्कोर 200 रन है। 2003 के क्रिकेट विश्व कप में 673 रन बनाकर विश्व के प्रथम बल्लेबाज बने। उस विश्व कप में सचिन तेंदुलकर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी मिला। सचिन तेंदुलकर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों 78 IPL मैच 13 चैंपियन लीग T20 मैच खेल चुके हैं। 23 दिसंबर 2012 को सचिन ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया। वहीं 16 दिसंबर 2013 को मुंबई के अपने अंतिम टेस्ट मैच में उन्होंने 74 रनों की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने वनडे मैचों में अपनी गेंदबाजी से टीम के लिए 154 विकेट भी लिए। अगर उनके पारिवारिक जीवन की ओर रुख करें तो सचिन तेंदुलकर की पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है। अंजलि एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति अशोक मेहता की बेटी हैं। जिन और अंजलि की शादी 1995 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद 12 अक्टूबर 1997 को इनके घर में बेटी का जन्म हुआ।
जिसका नाम इन्होंने सारा तेंदुलकर रखा। ये 2 साल बाद इनके घर में बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम अर्जुन रखा गया और इनका परिवार पूरा हुआ। सचिन तेंदुलकर भगवान गणेश को अपना इष्ट मानते हैं और ये हर साल अपने घर में गणपति स्थापना करते हैं और गणेश चतुर्दशी के त्योहार को वे साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मानते हैं। क्रिकेट के अलावा इनका मुंबई के कोलाबा में एक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम तेंदुलकर रेस्टोरेंट है। ये भारत की राज्यसभा के सदस्य भी हैं। ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया। पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनकी लंदन स्थित मैडम तुषाद में एक मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है। विज्ञापन में अपार धनियों चकाचौंध ने जब हर खिलाड़ी का ईमान हिलाकर रख दिया, ऐसे समय में शराब के विज्ञापन के लिए इन्होंने सीधे शब्दों में मनाकर एक मिसाल कायम की। इससे पता चलता है कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझते हैं और यही बात उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग करती है। सचिन तेंदुलकर जैसे होनहार खिलाड़ी धरती पर कभी कभी ही जन्म लेते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका जीवन प्रेरणा का अमूल्य और विशाल स्रोत है। वे निश्चय ही भारत के गौरव हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।